नमस्कार, आपका फिर से माँ गोमती फिजियोथेरेपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ और नई एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे कि आपको काफी फायदा हो सके। इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में 40 के ऊपर चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष, उनको फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट्स का कंधा अक्सर जाम हो जाता है। अब इस कंडीशन में पेशेंट को काफी पेन होता है, और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कंधे को हम कैसे मूवमेंट देंगे, कैसे उसका रेंज बढ़ाएंगे, कैसे उसको स्ट्रेंथ देंगे, इसके लिए आज मैं आपको तीन एक्सरसाइजेस बता रहा हूं, और इन तीन एक्सरसाइजेस से आपको काफी फायदा होगा। सबसे पहले क्या करना है कि इन एक्सरसाइजेस को हम कहते हैं कैप्सुलर स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रख लें ऐसे। अब क्या होता है कि जो ये कैप्सुलर स्ट्रेच है, कैप्सुलर एंटीरियर पोर्शन है, हमें इसको स्ट्रेच देना है। जब हम इसमें स्ट्रेच देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पेशेंट का शोल्डर है वो खुलेगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि पेशेंट को बोलना है कि आप अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लीजिए और 10 सेकेंड तक काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डन। हमें स्ट्रेच उतना करना है जितना का जो पेशेंट का पेन है वो टॉलरेंस में हो। इससे ज्यादा हम स्ट्रेच नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट का पेन बढ़ भी सकता है। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। इस एक्सरसाइज को हम 10 रिपीटेशन करेंगे, एक बार में 10 बार करेंगे, और हर 10 बार में एक बार 10 सेकेंड के लिए काउंट करके रखेंगे। अब हम दूसरी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि जो इफेक्टेड शोल्डर है उसका जो हाथ है उसका दूसरे अपोजिट शोल्डर पे लाके लाइक दिस, और पेशेंट को बोलेंगे कि यहाँ पे पुश करें लाइक दिस। जब यहाँ पे पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्ट्रेच आएगा। इस पोर्शन को हम कहते हैं पोस्टीरियर स्ट्रेच। अब जब यहाँ पेन होगा, स्ट्रेचिंग होगा, तो पेशेंट का ये वाला जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ खुलेगा। तो दूसरी एक्सरसाइज ये है। इसको हम कैसे करते हैं वो एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको। ऐसे करने के बाद काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन, रिलैक्स। अब इसको पेशेंट स्वयं भी कर सकता है। इसके लिए पेशेंट को सेम एक्सरसाइज कराएंगे। ऐसे हाथ रखना है, इसको यहां पे हाथ रखना है, और पेशेंट से कहना है कि आप खुद से प्रेशर डालिए। जब प्रेशर डालेंगे ऑटोमेटिक स्ट्रेच आएगा और पेशेंट को काफी बेनिफिट होगा। ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे तीसरी एक्सरसाइज के बारे में, और उसके लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि इस हाथ को यहां पर रख लें और हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। जब इसको हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो पेशेंट को यहां पर स्ट्रेच फील होगा, जिसको हम कहते हैं इंफीरियर कैप्सुलर। इसमें हम पेशेंट को स्ट्रेच देंगे, काउंट करेंगे 10 सेकेंड तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। तो फिर पहली एक्सरसाइज हो गई आपकी ये, दूसरी एक्सरसाइज हो गई आपकी ये, तीसरी एक्सरसाइज हो गई आपकी ये। इन तीन एक्सरसाइजेस को हम अगर नियमित रूप से करेंगे तो पेशेंट्स का जो कंधा है वो जल्दी ढीला होगा, उसको पेन भी कम होगा, उसका रेंज भी बढ़ेगा। नमस्कार।